Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video, I will discuss about the past tense. So let's start. Friends, सबसे पहले पता होना चाहिए what is past tense. So friends, पहले क्वेश्चन लिखते हैं. सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? What is past tense? What is past tense? Past tense क्या होता है? Friends, इसका आंसर लिखते हैं. Friends, बताइए what is past tense? देखिए क्या है? A tense expressing an action that or a state that previously existed. मतलब कि past tense क्या होता है? Past tense होता है जो क्या हो, वो काम जो क्या हो चुका हो. मतलब कि जैसे मैंने आपको present indefinite tense पढ़ाया, तो क्या कहेंगे? मैंने आपको present indefinite tense पढ़ा दिया. ये क्या है? ये past tense है. क्या है ये? पास्ट टेंस है. ऐसे ही ये पास्ट टेंस होते हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. फ्रेंड देखिए एग्जांपल. मैं कल क्या कर रहा था? क्या है? मैं कल क्या कर रहा था? देखिए था या रहा था, मतलब कि कोई की काम हो चुका हो. क्या हो चुका हो? का वर्ग हो चुका हो. फ्रेंड्स पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस जो वर्क हो चुका हो, मतलब कि कोई काम हो गया है तो क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया है. जैसे मैंने खाना खा लिया, ये क्या है? पास्ट टेंस है. फ्रेंड्स पास्ट टेंस होता है कि कार्य हो चुका हो. क्या हो चुका हो? वर्क हो चुका हो. फ्रेंड्स इसके अब टाइप जानते हैं. तो टाइप ऑफ पास्ट टेंस कितने होते हैं फ्रेंड्स? फोर टाइप होते हैं. कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. इसे लिखते हैं फ्रेंड्स. पास्ट टेंस के कितने टाइप होते हैं? पास्ट टेंस के फोर टाइप होते हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. ये होते हैं टाइप. फ्रेंड्स पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट. क्या पढ़ेंगे हम अब? पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं. इसकी एंटिटी और इसकी हेल्पिंग वर्ब और इसकी वर्ब पढ़ते हैं. क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. फ्रेंड्स सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो इसको लिखते हैं फ्रेंड्स. व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे आंसर में. फ्रेंड्स व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस? आंसर लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस रिप्रेजेंट एन एक्शन ऑकर्ड इन द पास्ट और अ हैबिट ऑफ द पास्ट एंड यूजेस द पास्ट फ्रॉम द वर्ब. तो फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? कि तुम्हारा पास्ट में क्या हुआ, लेकिन पास्ट में क्या हुआ है. तो पास्ट में क्या हुआ, जैसे मैंने आपको अभी पास्ट टेंस पढ़ाया, मैंने आपको पास्ट टेंस पढ़ा दिया. ये क्या है? पास्ट टेंस है क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसलिए क्या हो गया? बीत गया है. तो क्या होगा? पास्ट टेंस. और क्या हैबिट जैसे कुछ होती हैं जो क्या होती है? बीत जाती हैं. क्या करते हैं? पास्ट फॉर्म. तो बताइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है जो क्या हो, कार्य हो चुका हो और हैबिट में हैबिट हो चुकी हो. मतलब की कोई जैसे रोज की आदत है तो क्या हो गई हो, लकी हो चुकी हो, हैबिट हो चुकी. और यूज करते हैं क्या? पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. और यूज करेंगे पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब.
फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है? तो फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है? जैसे था, और भी होती है। तो फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है? था, थी, थे, आ, ई, ए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, लिया। ये क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्यों? मैंने पढ़ लिया। ये क्या हो रहा है? ये जो है पास्ट टेंस में, लेकिन कार्य हो चुका है। मैंने कल पढ़ लिया, मतलब मैंने कल जो है पढ़ लिया है। तो ये क्या है? बीत गया है। तो क्या है? पास्ट टेंस है। और देखिए पहचान भी इसमें आ आ। तो क्या है? ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। क्या हेल्पिंग वर्ब होती है? डिड। और इसकी वर्ब क्या होती है? वर्ब जो होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है लेकिन, और बाकी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म, जिसे नेगेटिव है। यस और नो टाइप है, डब्ल्यू एच टाइप। फ्रेंड्स इसमें जो है लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्रेंड्स मैंने आपको हेल्पिंग में बता दी, और क्या बता दिया? और मैंने आपको क्या बता दिया? वर्ब बता दी कौन सी लगती है, और मैंने आपको क्या बता दिया? आइडेंटिटी बता दी। फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल बताऊंगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। बाय बाय फ्रेंड्स।